by a spring force. Can you give me an example of this? Work done by a spring force. Hanji, can you give me an example from your experience, from your everyday life? An example where work was done by a spring force? Yes? Socho, come on. Ballpoint pen, अच्छा we are not actually doing work उसमें, हाँ force होती है उसमें, है ना? अच्छा another example जहाँ पे motion भी हो रहा हो. अच्छा that's interesting. अब उसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं. It's not a simple example of a spring force. I would be looking for something, a typical example, like for example पुली में स्प्रिंग कहाँ है? वेयर इज द स्प्रिंग? स्प्रिंग कहाँ पे? या एनी आइडियाज? अच्छा आपको पता है वो जो गाड़ियाँ बच्चों की, वो क्या होता है उसमें? देयर आर मेनी टॉयज जिसमें ये दिस प्रिंसिपल्स आर यूज्ड. वो क्या हो रहा होता है? उसके अंदर स्प्रिंग होता है ना. कई 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 खिलौने हैं ना जिनमें यू वाइंड द की, है ना, चाबी उसकी घुमाते हैं, उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है एंड देन वो खुद ब खुद खिलौना चलता है. दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ अ स्प्रिंग फोर्स एंड वर्क डन बाय अ स्प्रिंग फोर्स एंड द एनर्जी स्टोर्ड. स्प्रिंग में आप एनर्जी स्टोर कर सकते हैं. इट्स अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल. इन फैक्ट आपको पता है जो पुरानी घड़ियाँ हैं, द वेरी गुड रेल वॉचेज, जो फॉर एग्जाम्पल स्विस वॉचेज एंड ऑल दैट, वो उसमें क्या प्रिंसिपल होता था कि आप चाबी देते थे घड़ी को और वो घड़ी कभी ख़राब नहीं होती थी. दीज वर वॉचेस दैट वेंट ऑन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड पीपल यूज देम थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम. तो उसमें क्या होता है, चाबी देके आप क्या करते थे, आप एक दफ़ा चाबी दे देते थे दिन में एंड योर वॉच वुड वर्क एंड देन अगले दिन फिर आप चाबी दे देते थे, फिर इट विल कंटिन्यू टू वर्क. आपका काम सिर्फ क्या होता था? कभी उस तरह की घड़ी देखी है या यूज़ की? That's interesting. Go and look at your grandfather's watch. Maybe he has it. शायद उनके पास हो पुरानी, I don't know. उन्होंने भी नई खरीद ली हो, I don't know. तो anyway, उसमें the principle was कि जब आप चाबी दे देते हो तो उसके अंदर वो energy store हो जाती है and पूरा दिन वो फिर उसको use करता है gradually to work the hands of the clock in a very precise manner, है ना? And after that, अगले दिन फिर there was a very nice movie. मुझे उसका नाम भूल गया. उसमें बहुत मज़े का था, एक बच्चा दिखाते हैं जो क्लॉक वर्क, एक स्विस क्लॉक वर्क में काम कर रहा होता है. आई ट्राई टू फाइंड आउट द नेम, आई फॉरगॉटन. इट्स एन ओल्ड मूवी, इट्स नॉट वेरी न्यू बट नॉट वेरी ओल्ड, आप थोड़े साल पहले की. सो एनीवे, जो पुराने क्लॉक वर्क्स अगर आप देखें तो उनमें बहुत मज़े की वो स्प्रिंग्स एंड वो सारा कुछ लगा होता था. स्पेशली यू हैड क्लॉक्स लाइक द बिग, वो जो होते हैं ग्रैंड फादर क्लॉक जिसको कहते हैं, समथिंग लाइक दैट. एंड टॉयज में अगेन देर आर मैनी टॉयज. अब हमने क्या किया है, मोस्टली वी आर रिप्लेसिंग द स्प्रिंग्स विद द बैटरीज, है ना, वो बैटरी डाल देते हैं. देयर फॉर आपकी वॉचेज भी बैटरी से चल रही हैं, योर टॉयज आर ऑल्सो मोस्टली यूजिंग बैटरीज एंड ऑल दैट. सो दैट्स अनदर प्रिंसिपल, बट अगेन वी डू नीड द स्प्रिंग फोर्स, राइट? ओके, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट. सो स्प्रिंग फोर्स में क्या होता है, वेरी सिंपल एग्जाम्पल वी गिव इज के यू हैव अ स्प्रिंग and you have a mass attached to a spring. Okay, so ये the spring is fixed on one side. यहाँ पर you can imagine कि it's fixed to the wall, ठीक है ना? तो यहाँ पर this is a block attached. Let us say this is the initial position of the block. Let's say this is the zero position and this is the x direction, x axis, and this is your block. Now when you pull a spring, what happens? You can pull a spring, you will see that the spring will elongate and you will move the block forwards, hai na? So the you yahan se zero position se there will be a certain displacement of the block. This is will be the displacement of the block along the x axis. You know, we are also using d as a symbol for displacement. We are also using x when the displacement is book mein aapne problems mein bhi dekha hai and
also in the figures and the articles, you've seen that when the displacement is along the x-axis, we represent it by x. When the displacement is along the y-axis, we represent it as y. And you've seen that we've used x minus x naught in formulas, and we've used y minus y naught in formulas. But then again, we can also use d. Okay, so in this case, we're using x because I'm following the symbols in your book. Okay, so what did we do? We produced a displacement. यहाँ पे दिस एक्स इज एक्चुअली अ डिस्प्लेसमेंट ओके एंड देयर वाज अ सर्टेन फोर्स दैट यू हैड टू अप्लाई इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दिस डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज कॉल्ड अ स्प्रिंग फोर्स एफ एस ओके बट यू अप्लाइड अ फोर्स But in opposition to your applied force, there was this force of the spring pulling it back, hai na? According to Newton's third law. Whenever you apply a force on a body, the body will resist you or oppose you with an equal amount of force, hai na? And you will have to go on increasing your force until you overcome that force, and then there will be any motion or displacement that will take place. So according to that, Fs in this case is the opposing force. It's the spring force. You pulled it towards the right side, whereas the spring is trying to oppose your motion, and therefore Fs is on the negative side. So this is clearly shown in your book that this spring force is a force which is directed towards the left side. And therefore, you can write an equation for this force, which is Fs is equal to minus kd. Now, Fs is a spring force, it's a vector, d is a displacement, and k is a constant, which is known as the, every spring has a property of how much force it can exert. You know, you have different kinds of springs. Some springs exert more force, some springs exert less force, and there are many interesting examples. So anyway, this is known as the spring constant, which represents this property of your spring. Okay, why is it negative? It's negative because it's always directed towards the mean position, opposite to the force you are applying. And the second scenario can be when you actually push the spring, right? You can also push the spring. When you push the spring will compress. Chota ho jata hai na? And the displacement takes place in the opposite direction. This was the mean position, this was the zero position. So instead of the zero position, it is now going towards the opposite direction, and it's doing a displacement in this direction. So Fx is the force that you are applying. Your force is Fx, and the displacement in this case is on the negative side. So this is d. And this law, in which we can also say Fx is equal to minus kd, this is known as the Hooke's law. Hooke was the scientist who worked on this. So this is known as Hooke's law. And this is a force, and it can perform work, and it can store energy, right? So when we use this force to perform work, we can write an equation for this. Which is, the work done will be WA is equal to minus WS. So WA is the work done by the applied force, WS is the work done by the spring force, and they're equal and opposite to each other, right? Okay, you can make a photo for this.